फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स विल यानी मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? कल के वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट स्टैड प्रो, हाउ कैन यू चेक कि हाउ मच स्टैड प्रो यू नो। आज के वीडियो में हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, हाउ मच यू नो ईटैब्स। ठीक है, ईटैब्स के बारे में आपको कितनी जानकारी है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी भी याद रखो कि अगर ईटैब्स आपको सीख रहे हो या फिर सीख चुके हो उसके साथ सेव का कॉम्बिनेशन कंपलसरी है दोस्त। अगर सेव नहीं आता ईटैब्स के साथ फिर दया कुछ काला है, गेट तोड़ना पड़ेगा। मतलब ईटैब और सेव दोनों ही भाई भाई हैं और ये दोनों ऐसे हैं जैसे कि क्या बोलते हैं विशाल शेखर का जो म्यूजिक होता है। ठीक है, बिना विशाल के शेखर अधूरे हैं, बिना शेखर के विशाल अधूरे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईटैब्स के अंदर हम लोग फ्रेम्स का एनालिसिस, फ्रेम्स का डिजाइन कर सकते हैं लेकिन सेल का नहीं कर सकते हैं। हम लोग से ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये तो पता ही नहीं है। तो ईटैब्स और जो हमारा फ्रेम होता है, फ्रेम इन द सेंस बीम और कॉलम, तो ईटैब्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीम और कॉलम की एनालिसिस और डिजाइन कर सकते हो। तो बोलो सर ये फिर स्लैब और उसके साथ फुटिंग, इनका लफड़ा कौन देखेगा? तो इनका लफड़ा सॉल्व करता है इनका दूसरा भाई जिसका नाम है सेफ। ठीक है, तो सेफ क्या करता है? सेफ हर तरह के स्लैब, चाहे वेफर स्लैब हो, चाहे कन्वेंशनल स्लैब हो, वन वे टू वे, हर तरह के स्लैब का बेस्ट एनालिसिस, बेस्ट डिजाइन कोई कर सकता है तो वो सेफ कर सकता है। और बेस्ट फुटिंग डिजाइन, चाहे वो भी पाइल हो और चाहे फिर वो बैड फुटिंग हो, चाहे आइसोलेटेड हो, उसमें स्टेप्स हो, स्लो फुटिंग्स हो, हर तरह की फुटिंग्स का डिजाइन आज तक सेफ से अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर पाया। मतलब सेफ इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर फुटिंग एंड स्लैब। तो ये दोनों फुटिंग और स्लैब क्या हो गया? ये हो गया सेल स्ट्रक्चर। क्या हो गया? सेल स्ट्रक्चर। और ये जो बीम और कॉलम क्या हो गया? ये हो गया फ्रेम स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई सेल क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, अगर ईटैब सीखे हो तो। फिर ईटैब्स का फाइल फॉर्मेट क्या होता है? ईटैब्स का फाइल फॉर्मेट होता है .edb। मैं फाइल फॉर्मेट क्यों बोलता हूं बार-बार? क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज है, लोग इंटरव्यू में जरूर इसको इंडिकेट कर लेते हैं और हमें लगता है इतनी छोटी चीज थोड़ी पूछेंगे और यही पूछ लेते हैं, इसलिए फाइल फॉर्मेट हर सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए। फिर ईटैब्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भाई ईटैब्स का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम। मतलब समझ जाओ कि ये स्पेशली किसके लिए है, स्पेशली ये बिल्डिंग्स के लिए सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब कई लोगों को अभी तक फुल फॉर्म नहीं पता रहा होगा, आज पता चल गया ना, तो इसको याद कर लेना। और साथ ही साथ अगर इस तरह की वीडियोस और सॉफ्टवेयर पे चाहिए तो नीचे कमेंट करो, अपना और वीडियो आएगा उस पे कि डिटेल कैसे पता चले। चलिए आगे चलते हैं। अब ईटैब्स के अंदर कैसे मटेरियल डिफाइन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल डिफाइन कैसे करना है। मटेरियल डिफाइन के साथ क्या आपको याद है कि लोड पैटर्न कैसे लगाते हैं? ठीक है, लोड पैटर्न के अंदर अर्थक्वेक को कैसे सेट करते हैं, कौन से जोन में है? ठीक है, या फिर विंड के लिए कौन सा आईएस कोड लेके कैसे विंड को डिफाइन करते हैं? अगर ये आपको आता है दैट मीन आपने लोड पैटर्न अच्छे से लगाना सीख लिया है। इसके साथ ही साथ आपको क्या मास सोर्स लगाना आता है? क्या मास सोर्स? अब लोग सर ये मास सोर्स तो नहीं पढ़ा, हमने लोड पैटर्न तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो मास सोर्स होता है कि कितना स्केल फैक्टर रिक्वायर्ड है किस टाइम पर। मतलब जैसे कि अगर लाइव लोड की बात करूं तो अर्थक्वेक के टाइम पे कितना लाइव लोड कंसीडर करना है, 50% करना है कि 25% करना है? ठीक है, तो ये कैसे कंसीडर होगा? तो इसके लिए मास सोर्स फैक्टर लगाते हैं 0.5, 0.25, अलग अलग फैक्टर्स हमें प्लेस करना आता है क्या मास सोर्स का? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक आपके एनालिसिस में हो जाएगा अगर आप मास सोर्स नहीं लगाओगे, मटेरियल ज्यादा ले लेगा जी। चलिए, इसके साथ ही साथ क्या आपको लोड केसेस के बारे में पता है क्या ईटैब्स के अंदर? जेडब्ल्यू स्ट्रक्चर की सबसे अच्छी कंपनी है, उसके अंदर के ये सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। लोड पैटर्न चाहे तो आप देख लो, जिसने भी इंटरव्यू दिया है कमेंट कर बता भी सकते हो, वहां पूछा जाता है लोड पैटर्न क्या होता है, मास सोर्स का क्या यूज होता है। इसके साथ ही साथ वहां पे पूछा जाता है कि लोड केसेस क्यों डिफाइन करते हैं, लोड केसेस में जो मॉडल केसेस है ये क्या होते हैं, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो छोटी सी चीज है। इसके बाद ईटैब्स किसके लिए फेमस है? ईटैब हाई रेंज बिल्डिंग के लिए फेमस। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि बुर्ज खलीफा है कितने मीटर की है? 828 मीटर की है शायद। तो 828 मीटर की जो बिल्डिंग है उसकी जो एनालिसिस हुई है वो ईटैब्स के अंदर हुई है। आप समझ सकते हो कि कितना हाई रेंज बिल्डिंग इसके अंदर डिजाइन कर सकते हो। उसके साथ ही साथ अब ईटैब्स के अंदर आपको क्या आना चाहिए, किस तरीके से उस पर एसएफडी बीएमडी, मतलब किस तरीके से शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख सकते हो, पता है क्या?
किस तरीके से उसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि हाउ मेनी मेंबर्स आर पास। रिजल्ट में जाके वहां पे डायरेक्ट ऑप्शन आता है कि चेक हाउ मेनी मेंबर्स आर पास। चेक कर सकते हो उसके जस्ट नीचे कि आपने कितना परसेंटेज ऑफ स्टील लगाया हुआ है बी में कॉलम में, पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो बहुत बड़ी मिस्टेक है जो ईटैब में आपने नहीं सीखी हुई है। क्या कि परसेंटेज ऑफ स्टील कितना लग रहा है उसके हिसाब से ही आप स्टील प्रोवाइड करते हो। ईटैब्स में अगर पुराना 16 वर्जन सीखते हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके अंदर डिटेलिंग्स भी मिल जाता है। 2018 में डिटेलिंग्स का ऑप्शन नहीं है। अभी CSI ने क्या किया, CSI कंपनी का है तो CSI ने क्या किया कि उसने अभी डिटेलिंग्स के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर निकाल दिया है 2018 से। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2016 वाला सीखो, क्योंकि कंपनीज में सबसे ज्यादा 2016 वर्जन को ही यूज कर रही है। चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ क्या आपको पता है कि अगर हमारा जो बीम है या फिर जो कॉलम्स है उसमें अगर ओवरलैपिंग हो गई तो उसको ओवरलैपिंग को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वार्निंग्स बनती है ना, तो इस वार्निंग्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ओवरलैपिंग्स के वार्निंग्स को, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर रिप्लीकेट कैसे करते हैं, रिप्लीकेट बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लोग पूछ लेते हैं रिप्लीकेट पता नहीं होता है। रिप्लीकेट मतलब कॉपी करता है, जैसे स्टेयरकेस एक फ्लोर पर बनाया तो अलग अलग फ्लोर्स पर कैसे रिप्लीकेट को यूज करेंगे, पता था क्या, ठीक है। अब सोचो समझो कि हाँ हमने सीखा कैसे है, तो रिप्लीकेट के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको अच्छे से जो जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमारे पास बीम, एक तो नॉर्मल बीम हो गई, एक बीम होती है कि हमारे पास राउंडेड बीम है, मतलब ऐसे राउंड में गया बीम, क्या वो ड्रॉ करना आता है क्या। कई लोगों को मैंने देखा ईटैब सीख लेते बट उनको राउंडेड बीम लगाना नहीं आता है, तो भाई राउंडेड बीम लगाना आपको आना चाहिए, क्योंकि ईटैब्स के अंदर पता नहीं कैसा मॉडल आपको मिल जाए, ठीक है। राउंड ग्रिड बनाना आता है क्या आपको, राउंड ग्रिड बनाना आता है क्या आपको, क्योंकि एक तो होता है रेक्टेंगल ग्रिड फटाफट कॉपी करते चले गए, एक होता है राउंड ग्रिड, वो बनाता है क्या, जिसको सर्कुलर ग्रिड भी बोलते हैं, वो बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग्स कैसे भी मिल सकती हैं। उसके साथ ही साथ कभी संकेन स्लैब लगाना हुआ तो उसके लिए स्पेशल ग्रिड बनाना आपको आता है क्या, कि जस्ट कि संकेन स्लैब के लिए केवल एक ग्रिड बना दिया हमने, तो ये आपको पता होना चाहिए ईटैब्स के अंदर, ठीक है। इसके साथ रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस और टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, जिसके लिए सबसे ज्यादा ये फेमस है, क्या आपको उसको असाइन करना आता है क्या। टाइम हिस्ट्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, इसके अंदर पुराने जो सबसे हैवी एनालिसिस हुए हैं उनके डाटा को लेके अपने बिल्डिंग पर डाला जाता है, कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे एल सेंट्रो का डाटा हम मैं कंसीडर करता हूँ, नेपाल का जो डाटा है, अभी नेपाल में अर्थक्वेक आया था ना, तो वहां का जो डाटा है, जो रिएक्टर है, मान लो 9.5 रिएक्टर का ग्राफ है जो सिस्मोग्राफ से रीडिंग हुई है, उसको डाल के चेक किया जाता है हाई रेंज बिल्डिंग्स पे, कि अगर 9.5 रिएक्टर का बिल्डिंग्स पे अगर अर्थक्वेक आ गया तो क्या फ्रिक्वेंसीज होंगी, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, क्योंकि इसी के लिए तो स्पेशल सॉफ्टवेयर है ये ईटैब्स। तो उस टाइम पे टाइम पीरियड को कैसे कम कर सकते हो, ब्रेसिंग्स को कैसे लगा सकते हो, ये पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस, ये क्या होता है भाई, रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस मतलब कि आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज आप कंसीडर करते हो, कुछ टाइम पीरियड देखते हो कि इस टाइम पर अगर हम मोड्स क्रिएट करेंगे तो आप कितना मोड क्रिएट करें कि कितना एग्जैक्टली ये मास को उठा सके, ठीक है। आपको मतलब एज पर IS 456 आपको 90% मास को कंसीडर करना चाहिए एनालिसिस के टाइम पे। ये थोड़ा सा लोगों को ऊपर से जा रहा होगा जिन्होंने रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस को डीप में नहीं समझा होगा, ये नहीं समझोगे आप शायद फिर। तो इसमें ऐसा होता है कि मास कंसीडर किया जाता है कि कितना परसेंट मास को एनालिसिस के टाइम पे पार्टिसिपेट कराया जाए, मतलब ये कि अगर मेरे पास हवा आ रहा है तो मैं कितने ताकत से उस हवा को रोक सकूं, विंड को रोक सकूं, तो ये 90% अगर अपना ताकत लगा दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो 90 की जगह 100 लगा दूं तो और बेटर रहेगा। लेकिन IS 456 कहता है कि भाई 90% बहुत है, ठीक है, 90% में काम हो जाएगा, 100% के लिए बहुत ज्यादा स्टील लग जाता है। तो किस तरीके से मास पार्टिसिपेंट रेशियो बढ़ाते हैं, किस तरीके से मॉडल केसेस को देखते हैं कि कितना हमको रखना चाहिए, उसके साथ ही साथ इनको रख के फिर स्टील के परसेंटेज को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस लगाते ही स्टील का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो ये आपको अगर आता है तो आपने ईटैब्स अच्छे से सीखा है दोस्त। अगर इसके साथ ही साथ अगर आपने पुश ओवर एनालिसिस नहीं सीखा, मींस जिसमें बीम में हिंजेस लगा देते हैं दोनों कॉर्नर पे 5% पे 95% पे, अगर वो लगाना आपको आता है तो आपने देखो थोड़ी वीडियो लंबी होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, सारे टॉपिक्स तो समराइज नहीं हो रहे, बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इंटरव्यू पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब हिंजेस जो लगाना आता है कि आपको 5% पे 95% पे, इसका यूज क्या है, हिंजेस लगा के चेक क्या करते हैं, ये पुश ओवर एनालिसिस में आपको आना ही आना चाहिए।
पी डेल्टा एनालिसिस, कितना प्रेशर आ रहा है डेल्टा, मतलब कितना आगे भाग रही बिल्डिंग, मेरे पास प्रेशर आया मैं ऐसे हो गया तो क्या हुआ, मैं इतना कितना हो रहा हूं, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया कि मैं पटक के थक गया, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है दैट इज कॉल्ड पी डेल्टा एनालिसिस। क्या हमको इसके बारे में जानकारी है क्या, ठीक है जी। तो इतने टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी सेफ नहीं शुरू करता, सेफ के लिए आप कमेंट करो तब बताऊंगा। सेफ सॉफ्टवेयर में अगर आपको जानना है कि क्या क्या चीजें हमें पता होना चाहिए, नीचे सेफ 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 से भर देना ढेर सारा। प्लस इटैब और सेफ का कंबाइन जो अभी जितना सब टॉपिक बताया इससे भी कहीं ज्यादा टॉपिक मैंने कवर कर दिया है यूनिक सिविल ऐप पर। अभी 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है, आप सबको पता है इसमें 50% ऑफ हो जाएगा जय हिंद कूपन कोड डालने से। प्लस अपने कोर्स का जो फी है इतना नॉमिनल है, केवल और केवल कितना है, आई थिंक ईटीएफ का जो फी है 3000 है। 50% ऑफ होने के बाद कितने का आएगा, 1500 का, जिसके अंदर पूरा डायनेमिक एनालिसिस, पूरा सेफ, पूरा का पूरा हमारा ईटीएफ, आईएस कोड के स्टैंडर्ड्स, सी और वॉल, सब कुछ कंबाइंड 1500 रुपीज में कोर्स मिल जाएगा आपको। तो अगर आपने नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, फटाफट उसको रजिस्टर करके आप पढ़ भी सकते हो। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स आते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। वेल डन, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यहाँ तक देखा इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हो सके तो उसको शेयर करना जिससे दूसरों का भी भला हो जाए, कर भला हो भला। जय हिंद।